हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भीमानी और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं अबाउट मेरा HDFC रिगालिया क्रेडिट कार्ड। दोस्तों ये है मेरा HDFC रिगालिया क्रेडिट कार्ड जो मुझे बस कल ही मिला है और मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स बताता हूं वन बाय वन। तो दोस्तों ये कार्ड मिलने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े। पहले तो मुझे HDFC बैंक में एक अकाउंट खोलाना पड़ा, उसमें मुझे प्रीफर्ड कराना पड़ा। उसके बाद मैंने फाइनली उसको अप्लाई किया और उसके बाद अप्लाई करने के बाद मेरा कार्ड रिजेक्ट हो गया, मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने वापस उसको टेकअप किया ब्रांच के साथ और ब्रांच मैनेजर के साथ, तो वापस मेरा वो ट्रैक पे आया, अप्रूव हुआ और फाइनली मुझे मेरे कार्ड की डिलीवरी मिली। दोस्तों मैंने दो वीडियोस इसके बनाए जिसमें मेरा कार्ड रिजेक्ट हो गया था, उसके रीजंस मैंने बताए, और फिर मैंने मेरा कार्ड जो अप्रूव हुआ उसके मैंने रीजंस बताए कैसे मैंने वो वापस चीज़ को ट्रैक पे लाया। ये दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने डाली है। अगर आपका भी कोई भी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो जा रहा है तो वो रीज़न आप वो वीडियो देखिए, उसमें आपको मैंने बहुत प्रैक्टिकल रीजंस बताए जिससे आपको आपका क्रेडिट कार्ड वापस ट्रैक पे लाने का ऑप्शन मिलेगा। मैं ये सब इसके लिए बता रहा हूँ कि फाइनली मैंने वो सब करने के बाद आज मुझे ये क्रेडिट कार्ड मुझे मेरा HDFC रिगालिया का मिला हुआ है और मैं अभी उसको मैंने उसको यूज़ भी कर लिया है और मैं अभी आपको उसके फीचर्स, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों ये एक लाइफस्टाइल कार्ड है, तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे पैकेजेस बंडल करके इसमें दिए हुए हैं। मेन पॉइंट मुझे ये भी अच्छा लगा कि ये कार्ड मुझे लाइफ टाइम फ्री मिला है। तो लाइफ टाइम फ्री अगर मुझे HDFC रिगालिया मिल रहा है तो ये चीज़ छोड़ने वाली बात है नहीं। इसमें इनके खाली दो ही कंडीशन रहते हैं कि आपको दो आपके बिल यूटिलिटी बिल इसके थ्रू लिंक करने हैं और वो आपके इसके थ्रू हर महीने पे करने। तो मैंने दो नहीं, मैंने तो सारे लिंक कर दिए। मुझे क्या है, मुझे तो ये कार्ड से भरना है या वो कार्ड से भरना है एक ही बात है। तो मैंने वो लिंक कर दिए हैं, अभी वो मेरे ऑटो डेबिट पे भी डाल दिए। तो जब तक मैं इस पे से बिल भरते रहूँगा मुझे एनुअल चार्जेस नहीं लगेंगे। दोस्तों इसके जो मेन फीचर्स है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आपको 6 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेसेस मिलते हैं और 12 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलते हैं। अब दोस्तों इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस जो है वो थ्रू प्रायोरिटी पास मिलता है। तो जैसे ये कार्ड मुझे मिला है, कुछ ट्रांजैक्शंस मुझे करने हैं जिसके बाद मैं प्रायोरिटी पास के लिए अप्लाई कर पाऊँगा। तो ये हो गई डोमेस्टिक लाउंज की और इंटरनेशनल लाउंज की फ़ीचर्स इसकी। मेन है दोस्तों इसका जो पॉइंट्स और रिवॉर्ड सिस्टम बहुत अच्छा है। 150 रुपये में मुझे इसमें 4 पॉइंट्स मिलते हैं और दोस्तों अगर मैं इनकी जो स्मार्ट पे है या HDFC पेज ऐप है उसके थ्रू कुछ भी पेमेंट्स करता हूँ तो मुझे 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। तो मैंने मेरे जो भी बिल्स वगैरह है उसको स्मार्ट पे से लिंक कर दिया है और इवन मैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से जो शॉपिंग करूँगा आगे उसको भी मैं स्मार्ट पे से ही करूँगा। तो मुझे 10x रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे दोस्तों इसमें, जो अच्छी बात है। इवन आप 10x रिवॉर्ड पॉइंट नहीं भी कंसीडर करते तो भी 150 रुपये में 4 पॉइंट बहुत अच्छा है। दोस्तों इसकी जो माइलस्टोन बेनिफिट है, अगर आप 5 लाख रुपये की इसमें ईयरली स्पेंड करते हैं तो आपको 10,000 पॉइंट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आप 8 लाख तक पहुंच जाते हैं, 8 लाख की स्पेंडिंग करते हैं तो एडिशनल आपको 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स और मिलते हैं। तो 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं 5 लाख की स्पेंड पे और 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं 8 लाख की स्पेंड पे। दोस्तों इसमें एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट इन्होंने ये दिया है कि आपको 5% कैश बैक मिलता है इसमें अगर आप स्मार्ट पे के थ्रू पेमेंट करते हैं। एक ही चीज़ है कि ये 5% कैशबैक जो है उसको अपर लिमिट है 150 रुपया पर मंथ की। मैंने मेरा बिल ऑलरेडी पे कर दिया है स्मार्ट पे से
और मुझे 5% कैशबैक का मैसेज भी आ गया है अपने जो मंथ में आप ये सब कैशबैक्स करते हैं उसके नेक्स्ट मंथ के बिलिंग में ये चीज़ आपको क्रेडिट होती है। तो अच्छा है, मतलब पॉइंट्स वगैरह भी मिल रहा है, 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल रहा है और उसके ऊपर वो लोग 5% कैशबैक भी दे रहे। ठीक है, अगर महीने का 150 रुपया भी अगर आप ले पा रहे, खींच पा रहे, तो साल का कितना 2000 रुपया हो गया दोस्तों। और फ्री वाला क्रेडिट कार्ड है ये, उसके ऊपर भी बहुत सारी इसकी जो बेनिफिट्स है। तो मुझे लगता है कि ये कार्ड को मैं अभी प्राइमरी कार्ड के जैसे यूज़ करने वाला हूँ, इसको पूरा का पूरा माइलस्टोन बेनिफिट तक लेके जाऊँगा, ताकि मुझे अगर इन्फिनिया वगैरह में अपग्रेड मिले तो भी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये थे मेजर फीचर्स HDFC रिगालिया कार्ड के। उसके बाद दोस्तों एक अच्छा फीचर ये है कि आपको Zomato गोल्ड की मेंबरशिप फ्री मिलती है इसके साथ। अब Zomato गोल्ड जो है इसकी भी मेंबरशिप कुछ 1000-1500 रुपये की है। दोस्तों कोविड के पहले मैं इतना एक्सक्लूसिवली Zomato गोल्ड मेंबरशिप यूज़ करता था, क्योंकि उस पर आप जो होटल्स पे जाते हैं तो बाय वन गेट वन फ्री मिलता है खाने में। तो मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी जाते थे, हम एक डिश मंगाते थे, जैसे बिरयानी वगैरह हो गया तो एक सब्ज़ी फ्री मिल जाती थी, तो बहुत ही यूज़फुल था और 5-star वगैरह भी इंक्लूडेड थी। इसमें आपको जो Zomato गोल्ड की मेंबरशिप मिलती है उसमें आपको 75,000 का स्पेंड करना है फर्स्ट 90 डेज में, तो ही आपको ये चीज़ एक्टिवेट होती है। अभी दोस्तों मैं इसके कंटेंट्स बताता हूँ, इसके बॉक्स में क्या क्या चीज़ आई है। बॉक्स नहीं है, एनवलप है, बट मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। पहले तो ये एनवलप है जो मुझे मिला है अभी दोस्तों, ये उसमें मुझे कार्ड मिला था, ये है बुकलेट, ये बुकलेट है दोस्तों जिसमें इन्होंने सारे फीचर्स और ये सब बताए। ये देखिए, ये ऐसे सारे फीचर्स है, ये देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस वाला फीचर है, ये दोस्तों Zomato गोल्ड का मेंबरशिप का फीचर है, ये दोस्तों कॉन्टैक्टलेस है ये कार्ड, और दूसरा इसमें ये जो पॉइंट सिस्टम है, ये चाहिए तो पॉइंट सिस्टम आप पॉज करके देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए सारे पेज़ैप वगैरह के इनके जो प्रीमियम ऑफर्स है वो है। तो दोस्तों ये थी, ये उनकी बुकलेट है। ठीक है, ये नहीं देते थे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर ठीक है, एक अच्छी फील आती है ये बुकलेट के साथ। दूसरा दोस्तों मुझे एक वेलकम लेटर मिला हुआ है, ये देखिए, ये वेलकम लेटर है, इसके साथ कार्ड था और ये वेलकम लेटर है। दोस्तों एक चीज़ मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको एक्सीडेंटल एयर कवरेज है और एक्सीडेंटल आपका हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज है। तो अगर आप एयरलाइंस में डेथ हो जाती है आपकी, तो आपको 1 करोड़ रुपए का आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है इसमें HDFC अर्गो का। और अगर आप का एक्सीडेंट हो जा रहा है तो हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस में आपको 10 लाख की इसमें कवरेज मिल जाती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, 10 लाख नहीं, 15 लाख की कवरेज मिल जाती है इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ट्रैवल। ये देखिए, ये इन्होंने ये लीफलेट दिया है। एक चीज़ इन्होंने मेंशन की है कि इसमें आपको नॉमिनी डिटेल्स भरना बहुत ज़रूरी है, मतलब वो मैंडेटरी है। तो जैसे ही ये कार्ड आता है, इसमें नॉमिनेशन डिटेल्स भर के उनके एड्रेस पे हमको कुरियर कर देनी है। उन्होंने ऑप्शन भी दिया है ऑनलाइन नॉमिनेशन डिटेल्स भर के देने का, तो अगर आपने वो नहीं भरा है तो भर दीजिए और सबमिट करिए, क्योंकि उसके बिना आपको ये इंश्योरेंस मिलेगा नहीं। और अगर इंश्योरेंस मिलेगा नहीं तो आपको आपकी लाइफ कवर या मेडिकल एक्सपेंडिचर भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये कार्ड मैं बहुत टाइम से लेना चाह रहा था, फाइनली मुझे ये कार्ड मिल गया है। मैंने इसकी फ़र्स्ट स्वाइप भी कर दी है, मैंने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है अभी फ्लिपकार्ट पे, अगर आपको नहीं पता तो बहुत अच्छी डील मिल रही है। सैमसंग S20 Plus आपको 49,000 में मिल रहा है। ये सब डील्स देख के सैमसंग वालों ने भी कम कर दी, तो मुझे सैमसंग का S20 Plus जो फ्लैगशिप फ़ोन है वो मुझे 45,000 में मिला है। मैंने कल ही उसको परचेस किया अपने पिताजी के लिए। iPhone 49,000 में मिल रहा है, iPhone 11 विथ इंक्लूसिव ऑफ AirPods Amazon पे। तो दोस्तों ये सारी दिवाली डील्स वगैरह जो है उसको यूज़ कर लीजिए, अगर आप फ़ोन अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, यही सही टाइम है। और बस HDFC रिगालिया कार्ड
कैसा चलता है, क्या चलता है, टाइम टू टाइम मैं उसका आपको फीडबैक और अपडेट्स देते रहूँगा। एक चीज़ मेरे साथ इसमें इशू हो गया था कि मेरा इसमें इन्होंने दो ईमेल आईडी साथ में लिंक कर दिए थे, और एक ईमेल आईडी मेरा वो कॉमन कंपनी का ईमेल आईडी था। तो जैसे ही मैं उसको ट्रांजैक्शन करता था तो ओटीपी मेरे कॉमन आईडी पे आती थी, और कॉमन आईडी पे मेरे सारे एम्प्लॉयज़ को ओटीपी और ट्रांजैक्शन वगैरह सारा दिखाई देता था। तो वो इशू रिजॉल्व हो गया है, मैंने मेरे आरएम को बताया और आरएम ने वो चीज़ रिजॉल्व कर दिया। तो मैं आपको यही बताता हूँ कि आरएम होना बहुत ज़रूरी है, और ऑफलाइन ये कार्ड ब्रांच से अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम एंड अगेन आपको कोई भी इशू आता है आप सीधा ब्रांच के वो बंदे को फ़ोन कर सकते हैं, आपको कस्टमर केयर वगैरह में वो लोग घुमाते नहीं हैं, आपका काम ऐसे का ऐसा ही हो जाता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है HDFC रिगालिया, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो ले लीजिए, सही मौका है और बहुत ही अच्छा कार्ड है। मैं इसको अभी प्राइमरी कार्ड तरीके से यूज़ करने वाला हूँ। सो बाय बाय, थैंक यू।